हाय गाइस, दिस इज़ गेमिंग प्रोशन एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ग्रेनेड्स के बारे में. दैट हाउ यू शुड एक्चुअली बी एबल टू कुक ग्रेनेड्स, राइट? तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल पे, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अब गोल चेंज हो गया है, 20,000 सब्सक्राइबर्स का गोल हो गया एंड आई होप आप लोग करवा सको, बिकॉज आई होप ये एक वीडियो आपको हेल्प करें. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड एम रखेंगे 40 likes. इस बार 40 का रख देते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से 20 likes चल रहा है. एंड गाइज, आई एम रियली सॉरी अगर मैं आप लोगों के साथ खेल नहीं पाया हूँ अभी कुछ दिनों में, बिकॉज एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पर घर के पास थोड़ा सा एक फंक्शन है, तो मैं उस चीज़ को अटेंड कर रहा हूँ. सो आफ्टर 28th आई विल बी प्रॉपरली फ्री टू प्ले विद पीपल, राइट? बट जितना भी हो पा रहा है, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है, बीच में 1 घंटा 2 घंटा मैं एक आधी वीडियो बनाने के लिए प्रॉपरली ट्राई कर रहा हूँ गाइज. सो यप, सो विदाउट टेकिंग फर्दर ऑफ योर टाइम, सो आई जस्ट डाइव स्ट्रेट इन टू द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर कुकिंग द ग्रेनेड्स एंड फॉर थ्रोइंग द ग्रेनेड्स, द पॉइंट इज़ कि आपको ग्रेनेड्स की प्रैक्टिस ट्रेनिंग रूम में करनी पड़ेगी, राइट? पहले ट्रेनिंग रूम में जाओ एंड ट्रेनिंग रूम में ना ग्रेनेड्स को पकड़ कर थ्रो करके देखना कि कितने दूर तक ग्रेनेड जा सकता है, राइट? कैसे ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो, पीक करके कैसे थ्रो कर सकते हो, किस हिसाब से थ्रो करोगे तो कितनी दूर तक जाएगा, आप कितनी दूर तक ग्रेनेड्स को, और भागते हो ग्रेनेड्स तो थ्रो करोगे तो वो कहाँ तक जाते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें ऑब्वियसली उसके प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, राइट? एंड वही चीज़ हमें ट्रेनिंग रूम, इस चीज़ के लिए भी ट्रेनिंग रूम सिखाएगी. ऑब्वियसली वहाँ पे एज सच बंदे नहीं होते, बट प्रॉपर बंदे नहीं होते, बट हाँ आप ग्रेनेड से बंदे उड़ा ज़रूर सकते हो. ट्राई करो वो करने की, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट. भागते हुए मारने का ट्राई करो इस तरह से, क्योंकि पैरों पर लैंड करें, लैंड करते ही फटे, दैट मीन उनको भागने का टाइम ना मिले, कुछ इस टाइप की चीज़. देन नो द यूज़ ऑफ ईच काइंड ऑफ ग्रेनेड. मतलब ये नहीं कि स्टन का मतलब स्टन है, स्मोक का मतलब स्मोक है, ये सब चीज़ें नहीं, राइट? यू शुड नो कि हर ग्रेनेड किस हिसाब से काम करता है. स्मोक सिर्फ स्मोक नहीं करता, स्मोक एक्चुअली आपका स्मोक करता है, बट वो फेक स्मोक के भी काम आता है एंड वो स्मोक वॉल्स बनाने के भी काम आता है. स्टन सिर्फ स्टन नहीं करता. स्टन का एक बहुत अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ. मान लो आपके पास एक फ्रैग है एंड एक स्टन है, राइट? एंड आप अपना फ्रैग उस पर्टिकुलर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो. आप एक घर के बाहर बैठे हो एंड आपको लगता है घर के अंदर बंदे हैं. स्टन की पिन खोलो, स्टन को घेर दो, अंदर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, दैट मीन्स अंदर बंदे हैं. आप रश करो या ना करो वो आप पे उसके बाद, बिकॉज अगर आपने फ्रैग घेरा एंड फ्रैग वेस्ट भी हो गया और बंदे नहीं भी मरे, इससे अच्छा ये रहेगा रश करने से पहले आप एक बार स्टन मार दो. कुछ भी होगा तो बंदे की हेल्थ तो नहीं कम होगी, बट हाँ बंदों के फुटस्टेप्स की आवाज़ आएगी, दैट मीन्स आपको ये पता होगा कि बंदे कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं. इसी चीज़ से अगला पॉइंट निकल के आता है, दैट इज़ ट्राई टू गिव द मैक्सिमम एफर्ट्स टू लिसनिंग ऑफ फुटस्टेप्स, राइट? इसमें एक चीज़ आती है, पहली चीज़ अच्छे ईयरफोन्स अगर आप ले सको. मैं बेसिकली सैमसंग के 250 रुपये के यूज़ करता हूँ एंड आई नीड काइंड ऑफ गुड, राइट? एंड बहुत अच्छे ईयरफोन से आप ये भी बता सकते हो. मैं अपने ईयरफोन से ये बता सकता हूँ कि किस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कहाँ पर बंदा है. दिस इज़ हाउ गुड यू शुड बी, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट, आई एम दी बेस्ट, बट या व्हेनेवर आई थ्रो नेड्स इट हिट्स अ पर्सन एंड दैट इज़ वॉट आई एम प्राउड ऑफ एंड दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो यू ट्राई टू डू दैट. यू नीड टू हैव मैक्सिमम एफर्ट्स. आपको फुटस्टेप्स की प्रॉपरली साउंड पता चाहिए कि यू नीड टू नो इवन द मिनिमल साउंड्स जो होती है ना, वो भी कोई फुटस्टेप्स नहीं कर रहा, बट कोई गन चेंज करता है, गन स्विच करता है, उसकी भी आवाज़ आपको अपने कान में होनी चाहिए, राइट? कोई एनर्जी ड्रिंक लेने वाला है तो आपके पास प्रॉपर तरीका है कि आप निकलो और मारो उसको. तो उस टाइप की चीज़ें आपको काइंड ऑफ जाननी पड़ेंगी, राइट? देन देर इज ट्राई टू होल्ड एंड कुक द नेड एज बेस्ट एज यू कैन. टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेनेड कितनी दूर जाना है तो उसको कितना देर तक कुक करना पड़ेगा, कितनी पास रहना है तो उसको कितनी देर तक अपने हाथ में रखना पड़ेगा, कितनी दूर भेजना है तो कितनी जल्दी फेंकना पड़ेगा, बंदा भाग रहा है तो किस हिसाब से फेंकना पड़ेगा. ये कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती हैं, राइट? इसी चीज़ से अगली पॉइंट निकल के आती है, विच इज़ just remember this one thing and this is a good tip. The longer the nade distance is, the shorter is the height of the throw, right? जितनी दूर आपका ग्रेनेड का डिस्टेंस आपको लगता है जाएगा, बिकॉज आप जितनी दूर मारना चाहते हो, एक हमारी रेंज होती है, एक हमारा नीचे से ऊपर तक की हाइट होती है. ये ज़्यादा मैथमेटिकल चला जाएगा, बट 45 degree इज़ द मिनिमल एंगल, राइट? उसका tan theta by 2g का फॉर्मूला होता था. मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा एक्चुअली, बट दैट इज़ एक्चुअली फॉर टाइम, नॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट यू स्क्वायर साइंस को थीटा बट 2g होता था, बट हाँ उस चीज़ के ऊपर अपन लोग एज सच बात नहीं करेंगे फिजिक्स की टर्म्स में. बट इफ आई हैव टू टेल यू वन थिंग,
ट्राई टू एक्चुअली टेक योर ग्रेनेड्स, जितना आप ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ अपने ट्रेनिंग रूम में जाना एंड देखना, जितना आप ऊपर की तरफ को ग्रेनेड को मारोगे ऑब्वियसली वो आपके पास ज़्यादा पास आके फटेगा, एंड जितना आप नीचे की तरफ को करके मारोगे वो उतना दूर जाएगा। सो इस हिसाब से आपको मिनिमल डिस्टेंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद से निकालना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली बंदों को नेट्स एंड ऑल करना पड़ेगा, राइट। एंड देन द लास्ट स्टेप इज ट्राई टू थ्रो नेट्स इन टू अ हाउस बिफोर रशिंग, सो यू कैन फूल पीपल विद स्मोक्स और विद स्टंस, एंड दिस इज अ रियली नाइस टिप, राइट। जैसा मैंने बहुत पहले बताया, यही सेम चीज़ है, ज़्यादा नहीं ना, अगर आपके पास नेट्स है ना, चांस मतलब नेट्स मार दो घर में घुसने से पहले, ज़्यादा नहीं तो कुछ एक चीज़ होगी, वो है कि बंदे बहरे हो जाएंगे। बहरे होने की मैं प्रो टिप आप लोगों को बता देता हूँ, 15 मीटर के रेडियस में 3 सेकंड के लिए बंदा बहरा होता है, वो 3 सेकंड आपके पास, 3 सेकंड का टाइम है, आप उस 3 सेकंड में रश कर सकते हो, बंदों को मार सकते हो। दूसरी चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका एक 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 टीम मेट ना मैं रूम मेट पता नहीं क्यों बोलने वाला था एक टीम मेट अगर आपका एक रूम में नॉक पड़ा है एंड आप उसके पास हो, फेक स्मोक करो घर के अंदर, घर एक घर है आपके पास, घर की एंट्री पे स्मोक कर दो, लोग घर की एंट्री पे गोलियां मारते रहेंगे बिकॉज स्मोक के थ्रू एक तो अंदर नहीं आएंगे वो, एंड वो ऑब्वियसली तब तक अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, राइट। ये होता है फेक स्मोक का तरीका। स्टन का मैं आपको बता चुका हूँ, लोग फुटस्टेप्स दिखा देंगे काइंड ऑफ, वो चीज़ है। एंड नेट्स का तो 15 मीटर के रेडियस में 3 सेकंड के लिए बंदा बहरा होगा ही होगा अगर वो उस रेडियस में आ रहा है, जो कि घर के अंदर प्रॉपरली आराम से बन जाता है, राइट। तो ये है तरीके जिनके थ्रू कि आप घर में घुस सकते हो, लोगों को मार सकते हो, एंड दिस इज़ हाउ यू कुक ग्रेनेड्स लाइक अ प्रो गाइस। अगर आपको बढ़िया लगा हो ये वीडियो, मेक श्योर टू शेयर दिस एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स। मेरे बर्थडे से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल था, बट मैं रुकना नहीं चाहता, सो गाइज अब 20,000 सब्सक्राइबर्स का गोल रख रहा हूँ अगला, होपफुली आप लोग करवा दोगे। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए, 40 लाइक्स का एम होगा गाइज। मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, आई ट्राई टू गिव दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल टू यू। अब से हर दिन में मैं एक ही वीडियो डालूंगा बिकॉज 28 तारीख तक काइंड ऑफ थोड़ा सा बिजी रहूँगा, सो गाइज दिस इज लाइक दैट वन वीडियो फॉर दिस डे। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, मेरा लिंक ऑफ इंस्टाग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर मैं हर रात को लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, नॉट स्ट्रीम्स बट लाइव करता हूँ एंड लोगों के साथ बातें करता हूँ एंड ऑल, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। There is someone, there is a camper here. 100% there's a camper near me. 100%. ये रहा, ये रहा, ये रहा. If I was him, I would be lurking right about where the fuck here. Are you? Yep, just saw him. He's dead. Now, if I was him, I should be lurking right about.